सबसे बड़ी महामारी कोरोना की थर्ड वेव वर्तमान में पूरी दुनिया में है। कोरोना के प्रथम और द्वितीय वेव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में पूरे देश ने कोरोना में जीवन और जीविका दोनों को बचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। समय से किए गए इंतजाम इस महामारी से बचाव में बहुत प्रभावी रहे हैं। यद्यपि दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें इस महामारी के सामने पस्त हुई हैं, लेकिन भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर सर्वत्र सराहा गया। देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोविड प्रबंधन का कार्य भारत सरकार के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया और इस दौरान बहुत सारे मॉडल भी खड़े किए जिसकी सर्वत्र सराहना हुई। कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ी चैलेंज थी, सबसे बड़ी आबादी का राज्य था, बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में माइग्रेंट लेबर भी उत्तर प्रदेश के अंदर वापस अपने घरों को आए थे, उनका व्यवस्थित उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी थी। भारत सरकार के सहयोग से सभी कार्यक्रम संपन्न किए गए। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस भी हुई, लेकिन मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से आज हम लोग ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश प्राप्त कर चुका है। हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। 551 ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर लगाए और आपके मेरठ जनपद में भी 29 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए जिनमें से 28 क्रियाशील हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम था वह बहुत प्रभावी रहा और इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के कारण जो वैक्सीन भारत ने बनाई थी या वैक्सीन दुनिया के अंदर सबसे प्रभावी वैक्सीन में से एक है, तो बहुत प्रभावी थी। पूरे देश ने अब तक लगभग 160 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज 160 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कल सायंकाल तक 25 करोड़ 53 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेस उपलब्ध करवाई है, जिसमें फर्स्ट डोज प्राप्त करने वाली संख्या हमारे पास 99% लोगों को हम लोग फर्स्ट डोज उपलब्ध करा चुके हैं। सेकेंड डोज यानी डबल डोज लेने वाले लोगों की संख्या लगभग 69% है। प्रिकॉशन डोज लेने वालों की भी संख्या और 15-17 इस ग्रुप के जो यूथ हैं उनको भी वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है। वैक्सीन के बारे में जो शुरुआती समय में गुमराह करने का प्रयास हुआ, बहुत सारे लोगों ने उस समय तमाम प्रकार की भ्रांतियां पैदा करने का प्रयास किया,
वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बताया गया, बीजेपी का वैक्सीन बताया गया, लेकिन इस वैक्सीन के जो परिणाम आए हैं इसने थर्ड वेव की आशंका को पूरी तरह निर्मूल साबित किया है। आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि वर्तमान में तीसरी वेव कोविड की चल रही है। सेकेंड वेव में जो उत्तेजना थी, जो मारामारी थी, लोगों में जिस प्रकार से हॉस्पिटल में जाकर के बेड आरक्षित करने का एक बहुत ज्यादा अति सक्रियता देखने को मिली थी, थर्ड वेव में ऐसा कुछ नहीं है। यानी प्रदेश के अंदर भी और मेरठ के अंदर भी मैं इस बात को देख रहा था कि मुश्किल से 1 से 1.5% लोग ही हॉस्पिटल में आए हैं, और वे भी हॉस्पिटल में वही लोग हैं जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। शेष लोग होम आइसोलेशन में इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं और आराम से वहां पर निगरानी समितियों की देखरेख में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से उनसे निरंतर संपर्क करते हुए, संवाद बनाते हुए उन्हें उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो कार्यक्रम किए गए आज उसी का परिणाम है कि फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन तो दी गई लेकिन गरीब को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, उन्हें फ्री में राशन की सुविधा भी महीने में 2 बार दी जा रही है। प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 31 जनवरी तक हम प्रदेश के अंदर 100% लोगों को फर्स्ट डोज उपलब्ध करवा दें। यानी वैक्सीन की एक डोज भी कोरोना महामारी के खतरे से 75% तक बचाव का रास्ता निकाल सकती है। और जो आंकड़े आए हैं ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इसी प्रकार से जिसने डबल डोज का कवर ले लिया है उसको सुरक्षा कवच बहुत अच्छा प्राप्त हो चुका है। ये देखने को मिला है कि बहुत कम लोग फिर इससे, या तो अगर संक्रमण की चपेट में आए हैं तो संक्रमण बहुत माइल्ड रहा है। हमारा प्रयास है कि अगले 10 दिन के अंदर थर्ड वेव भी पूरी तरह नियंत्रित होकर के एक सामान्य स्थिति को हम बहाल करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने फर्स्ट वेव के दौरान लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को छोड़ दिया जाए तो शेष सामान्य जनजीवन को हम लोगों ने सामान्य रूप से चलने दिया। वर्तमान में केवल नाइट कर्फ्यू है। वैक्सीनेशन और बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं लेकिन बहुत शीघ्र वे भी प्रारंभ होंगे। और मेरा विश्वास है कि भारत सरकार के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोविड प्रबंधन के इस कार्यक्रम को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। जनपद मेरठ में भी अब तक 41 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। जनपद मेरठ को भी इस बारे में बताया गया है कि जो लोग अभी भी वैक्सीन लेने में संकोच कर रहे हैं उनको इसके परिणाम के बारे में बताना चाहिए, व्यापक जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता है। और प्रयास हो कि अगले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर यहां पर भी सभी लोग वैक्सीन की फर्स्ट डोज ले लें, सेकेंड डोज इलेक्शन के पहले 75% लोगों को हम सेकेंड डोज भी उपलब्ध करवा दें। ऐसे ही प्रिकॉशन डोज 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, जो किसी बीमारी से पहले से ग्रसित हैं, या हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सबको प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध करवा लें। यह थर्ड वेव से घबराने की आवश्यकता नहीं बल्कि सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है।
पब्लिक प्लेस पे निकले तो मास्क लगा करके चले, भीड़ भाड़ में जाने से बचे। बीमार लोग, बुजुर्ग लोग, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, बच्चे अनावश्यक बाहर न निकले। अगर ये सतर्कता हम बरतेंगे तो कोरोना के खिलाफ देश की जो लड़ाई है इसको विजयी बनाने में अब कोई संदेह रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, भारत के पास एक लंबा अनुभव भी हो चुका है और बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के माध्यम से भारत ने दुनिया के सामने कुछ मॉडल भी रखे हैं। और मुझे विश्वास है कि कोरोना प्रबंधन का यह कार्य सरकार, प्रशासन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, जनता जनार्दन, सभी लोग मिलकर के कोरोना को परास्त करने के प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बनेंगे। और मुझे विश्वास है कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। हम जीवन और जीविकाओं को बचाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने में सफल होंगे। धन्यवाद।